हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के जीके के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी में ही है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें हमारे कुछ मिक्सअप क्वेश्चन हैं, कुछ जीके के होंगे, कुछ आपके पॉलिटी से होंगे, कुछ आपके साइंसेस से रिलेटेड होंगे। तो आपका ये मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, जिसके बेसिस पर आपको अपनी जो प्रैक्टिस है या फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो चेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं, या फिर कोई विकल्प नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो आवेश रहित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। इसमें किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कणों से एक न्यूट्रॉन उदासीन बनता है, ठीक है, जबकि प्रोटॉन पर एक धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं धनावेश किस पर होता है? धनावेश होता है हमारा प्रोटॉन पर, और ऋणावेश होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह ROR है। तो अब इसमें ये ऑप्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताने हैं ये कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कि यहाँ पे जो हमारा 1 और 2 दे रखा है यही करेक्ट है। ये जो थर्ड है ये हमारा करेक्ट नहीं है ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, जो एस्टर का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो ROR नहीं होता। वो किस तरह का होता है? R, और फिर हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, फिर C है, फिर उसके बाद R और OR। फ्रेंड्स, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये इसी तरह से मैंने देखा था और उसको समझा। तो ये यहाँ पर हमारा O होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद C हमारा निकल कर आता है, उसके बाद हमारे 2 बॉन्ड सिंगल बनते हैं, एक R में और एक OR में। तो ये इस तरह का होता है, ROR करके इस तरह का बॉन्ड हमारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मूलतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए हुए हैं। तो आपको बताना है जो 12 से 35 का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो उसमें कौन सा भाग में वो दिए हुए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, ये हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं, और ये हमारे विशिष्ट विधिक प्रावधान हैं हमारे, जिसमें हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक अंतर्गत इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसमें हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान का 22वां भाग है उसमें से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाए गए एकमात्र भाग कौन सा है? यानी कि पहले 22 भाग थे, उनमें से एक गठन के समय हटा दिया गया था। तो अब वो बताना है। ऑप्शंस हैं 5th, 6th, 7th या फिर 8th। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 7, यहाँ पर ये 7वां भाग है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 20-day सीरीज की जो क्लास कराई थी उसमें सारे भाग बताए थे, तो आपको ये याद होगा कि मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th और 10th भाग बताया था, 7th नहीं बताया था। तो वो इसीलिए था क्योंकि वो हम यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। ये 7वां जो भाग था हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कौन सा संशोधन था, 1956 था, और धारा कौन सी लग रही थी वहां पे 29 लग रही थी, यानी 29। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी प्रकार के उत्तक से बने होते हैं। किसके? एपिथीलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एपिथीलियमी उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? अब हमें बताना है। पोषक के स्तर को उठाना, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना, वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना, या फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छिन्न करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे मूलतः संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर अगर हम आए राइट आंसर पे तो इसके अकॉर्डिंग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है वो है हमारे वैज्ञानिक मनोदशा को उत्पादित करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। जबकि पोषण के स्तर को उठाना इसका एक कार्य है, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना ये भी इसका एक कार्य है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छिन्न करना ये भी कार्य है, जबकि सी इसका तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या है 12, 9, 10 या 11। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं इनकी संख्या की बात करें तो वो यहाँ पे मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पर 10 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है सी वो राइट आंसर है। मूल कर्तव्य हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आपको पता होगा 10वां जो मूल कर्तव्य था वो क्या था? तो फ्रेंड 10वां जो मूल कर्तव्य था वो था हमारा 86वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कि हर बच्चा पढ़े, और ये पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके पेरेंट्स की होगी कि हर बच्चा बेसिक एजुकेशन है वो ग्रहण करे, ठीक है। नेक्स्ट है 78, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य या एक सदस्या अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी धनराशि विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकती है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें अपने संसदात्मक कार्य के अंतर्गत तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि विकासात्मक कार्य में वो कितना खर्च कर सकती है तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख या फिर 20 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 करोड़ उसको आवंटित किए जाते हैं कि वो इस राशि को अपने विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, महान्यायाभिकर्ता, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण अभिकर्ता, या फिर महाधिवक्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वो हमारा लोकसभा से भी होता है और राज्यसभा में भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत में किस संसदात्मक समिति की अध्यक्षता विरोधी दल का एक सदस्य कर सकता है? सरकार के आश्वासनों पर समिति, प्राकलन समिति, विशेषाधिकार समिति, या फिर सरकारी लेखा समिति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सरकारी लेखा समिति। यानी कि फ्रेंड्स भारत में जो भी हमारी संसदात्मक समिति की अध्यक्षता होती है विरोधी दल के सदस्य जो करते हैं उसको सरकारी लेखा समिति कहा जाता है। यानी कि इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सरकारी लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें सरकारी लेखा समिति का अध्यक्ष जो उस टाइम पार्टी होगी उसका विरोधी दल का सदस्य सरकारी लेखा समिति का मेंबर बनता है। तो इसको इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह से इस क्वेश्चंस को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? भारत के महान्यायाभिकर्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैर सदस्य का जो संसद में अभिभाषण होता है वो अधिकार होता है भारत के महान्यायवादी का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन किसी विशेष बिल, वित्तीय बिल या नहीं का निर्धारण करता है? यानी कि कोई भी बिल विशेष बिल है, वित्तीय बिल है, इसका निर्धारण कौन करता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये हर एग्जाम का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दें अगर उसमें जीके का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उनका फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र के वित्त मंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है कि वो बताए कि कौन सा बिल वित्तीय बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जब भी वह चाहता है, जब भी सदन मांग करता है, वोटों की समानता की घटना में, या फिर तब तक ही जब तक उसका दल चाहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा वोटों की समानता की घटना में वो अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों के संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, दोनों सदनों के बीच जो भी गतिरोध के मामले होंगे उनकी सदस्यता की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा की आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्यसभा की आयु पूछी जा रही है, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में कितने टाइम पीरियड तक रहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर स्थायी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, स्थायी होते हैं। इनके मेंबर्स की कोई आयु नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हर 2 साल बाद वो लोग क्या होते हैं, वो उनका वो हटते रहते हैं, लेकिन उनका जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड नहीं होता। ये परमानेंट हमारा होता है मैम हाउस, परमानेंट हाउस भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये स्थायी होती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी आयु कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में जनता से या फिर लोकसभा के बहुसंख्यक दल के सदस्यों से। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन सर्वाधिक की अवधि के लिए किया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन कितनी अवधि तक कर सकता है, 4 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक या फिर 1 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स 6 महीने उसको दिए जाते हैं, वो सिर्फ 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन कर सकता है, 6 महीने की अवधि तक। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए तुरंत, 1 महीने में, 6 महीने में या फिर 1 वर्ष के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीनों के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए अगर राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो या फिर उनका स्थान रिक्त हो तो। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको 20 डे सीरीज में कराया था। तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आपने मेरी सारी 20 डे सीरीज देखी है तो आपको पता चल रहा होगा कि 20 डे सीरीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 20 डे सीरीज में मैंने वो सभी टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो एक बार प्लीज जाकर अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि 20 डे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके ये सारे क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे, आप इजीली उनको कर पाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, वहां पे आपातकाल को भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कितने तरह के आपातकाल है, इनका टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल कब होता है, पहला आपातकाल कब हुआ था और सबसे लंबा आपातकाल कब हुआ था। तो ये सारे हमने वहां डिस्कस करे हैं, तो एक बार जाके प्लीज उनको जरूर देख लीजिए। यहाँ पर इनका राइट आंसर है सी, 3 तरह के हमारे देश में आपातकाल होते हैं। ठीक है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था, आर्किमिडीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोहर या फिर गैलीलियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दी थी, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे नापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी मैंने अपने 20 डे सीरीज में ये सभी तरह की ये जितने भी यहाँ पर आपको पैमाने दिए हुए हैं ये सभी मैंने यहाँ पर साइंस की जो 20 डे सीरीज हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हर एक एक क्वेश्चन हमारा 20 डे सीरीज से फंस रहा है, तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार के दृष्टि डोज के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गन्ने का रासायनिक नाम क्या है? लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, सुक्रोज। गन्ने का रासायनिक नाम होता है सुक्रोज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, डिस्टिलेशन से समुद्र से शुद्ध जल की इस क्रिया से हम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे, अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? अगेन ये भी हमने 20 डे सीरीज में कवर किया है। देखिए आपने एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है जो कि हमारे 20 डे सीरीज से कवर हो गए। थायराइड में आयोडीन स्तर, रक्त में लोह का उत्पाद, रक्त में शक्कर की स्तर और रक्त में यूरिया का स्तर। तो फ्रेंड्स अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारा नियंत्रित करता है रक्त में शक्कर का स्तर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो जो हम लकड़ी जलाते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? नारियल, मूंगफली, मटर या फिर गेहूं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें खाने योग्य फल की तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा ए राइट आंसर है, ए। ठीक है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है रेगिस्तान के लिए क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रेगिस्तान में जो हमारे वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है जीरोफाइट्स। तो ऑप्शन भी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।